खाना क्या खाते हो? दाल राइस? कितने, दो बार खाते हो, चार बार खाते हो? नाश्ता एक दो बार हो जाता है? चाय, कॉफी? ओके, मैक्सिमम बॉडी की लिथार्जी या कोई भी चीज़ को ना करने का पावर फूड में डिपेंड होता है। मैं दिन में सिर्फ दो बार खाना खाता हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस, सवेरे 10:30 से 12 के बीच में एक बार और शाम को 6:30 से 7 के बीच में एक बार। इसके बीच में कुछ मिला तो भी चलता, नहीं भी मिला तो भी चलता, और मेरा एक्टिविटी फिजिकली तुमको लगेगा ठीक है। मैं ये क्लास जो ले रहा हूँ ऐसा मैं दिन में 6 घंटा पढ़ाता हूँ और सवेरे 1.5 घंटा में बैडमिंटन खेल के आता हूँ, और उसके बाद में कम से कम 1 घंटा मेरा साधना चलता है, सूर्य नमस्कार और योगा, मेडिटेशन काइंड ऑफ। चलो साधना छोड़ दो, दैट इज डिफरेंट मैटर, पर 1.5 घंटा बैडमिंटन और उसके बाद में 6 घंटा पढ़ाना, फिर भी 2 टाइम के मील के ऊपर डिपेंड रहता हूँ, और बस 2 टाइम मील लेता हूँ इसलिए उसके अंदर एनर्जी है। खाने के अंदर अवॉइड करने के लिए सबसे पहले तुम्हारा डाइट, इफ पॉसिबल चेंज इट टू रॉ वन। फ्रूट्स, सर फ्रूट्स बहुत महंगे हो सकते हैं, जिसको पैसे का प्रॉब्लम नहीं है जरूर फ्रूट्स खाइए, थोड़ा बजट प्रॉब्लम है स्प्राउट्स, उससे स्प्राउट्स भिगोई हुई चीजें, उससे भी बजट प्रॉब्लम है भिगोए हुए पीनट्स। आपको शायद नहीं पता, मैं उस सेशन से जाता हूं, मैं हर डे कर रहा हूं इसलिए, हैंडफुल ऑफ पीनट्स, सोक्ड पीनट्स, 4 घंटे अगर आप 2 मुठ्ठियां भर के, इतना अंजुली भर भर के 4 घंटे भिगा के रखो और खाओ, और उसके ऊपर 2 बनानास खाओ, तो तुमका तुम्हारा डेली न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा उसके अंदर खत्म हो जाता है, दिन भर के न्यूट्रिशन का। ठीक है, दिस वर्क लाइक मिरेकल, आपको समझ में नहीं आएगा। ऊपर से फैट्स वैट्स जितने भी इशू तुम फेस करोगे जीवन में, जितने भी, ये तुमको कभी नहीं होंगे। खाना रॉ, अपन जीवन में क्या खाते हैं? वड़ा पाव, समोसा। दूसरी बात, चाय और कॉफी का इंटेक, मैं ये नहीं बोल पाऊंगा तुमको कि मती करो कि तुम मेरे को मारना शुरू कर दोगे। ठीक है, चाय और कॉफी तब पियो जब जरूरत पड़े बहुत ज्यादा, बिकॉज चाय और कॉफी इज अ लोन, एवरी स्टिम्यूलेटर इज अ लोन जो दिमाग ले रहा है। तुम कैसे घर बनाने के लिए लोन लेते हो, इंटरेस्ट देना पड़ता है, चाय और कॉफी का लोन यह है कि 1 घंटे तो तुमको अच्छा लगेगा, घर तो तुम्हारा बन जाएगा, पर अगले 4 घंटे तक के तुमको इंस्टॉलमेंट्स पे करने पड़ेंगे और तुम अवेयर नहीं रहोगे पॉसिबली। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम्हें आदत लग जाएगी कि तुमको तो ये पता चलेगा कि मैंने चाय पिया, 1.5 घंटा पढ़ाई होती है, फिर तुम हर 1.5 घंटे बाद चाय पियोगे, पर लोन तुम जितने भी लो वो तो जमा होते जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ये चीज को बड़े अच्छे से याद रखना, ये खाने के टिप्स है जो आपने याद रखनी चाहिए। ठीक है,